हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वॉचिंग ट्रेडर्स। अब आज की वीडियो में एक जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, वो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, द सैड रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ओके, तो वो ट्रेडिंग की जो सैड रियलिटी है मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं वीडियोज़ में ट्रेडिंग के थ्रू जब ट्रेड करके दिखाता हूँ उस पर, तो काफ़ी लोग उसको गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं, मुझे गलत वे में ट्रेडर बोलते हैं और काफ़ी लोग एक्सपोज करते हैं। तो सोचा एक फेस टू फेस वीडियो बनाऊं एक्सप्लेन करते हुए कि सैड रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है गाइज, ज़िंदगी में अगर आपको एक अच्छा पैसा कमाना है, एक होता है कि घर चलाना, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख महीना, दैट्स इट, नॉर्मल ज़िंदगी। एक होता है अच्छा पैसा कमाना, अच्छा पैसा मतलब प्रीमियम कार्स, बाइक्स, अच्छा घर, उसके बाद भी बैंक बैलेंस, मज़े करना, क्लबिंग, पार्टिंग, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसिव इनकम, मतलब खूब पैसा। दूसरा ये होता है, ठीक है, पहली कैटेगरी में जाना है तो ठीक है, नॉट अ बिग डील। दूसरी कैटेगरी में जाना है तो जैसे मैंने बोला था, अगर दूसरी कैटेगरी में जाना है तो ज़िंदगी में एक बार आपको अपनी मेहनत के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा। 2-4-5 महीने में जो कमाया है उसको लुटाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा रिस्क पे। अब जब मैं देखो तुमने यूट्यूब पर बहुत सारे बाइनरी ट्रेडर्स देखे होंगे, बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स हैं, खूब कमा रहे हैं, ठीक, काफ़ी करोड़ों में कमा चुके हैं, इन करोड्स, उनकी पुरानी वीडियोस देखना, ठीक है। अब तो देखो क्या है ना, अब सबके पास देखो, अब बात ना सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं रही, बात एक टाइम तक रहती पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, ऐसा रहता है। जब एक बार आप कमा लेते हो तो उसके बाद बात पैसे की नहीं रहती, फिर बात स्टेबिलिटी की आ जाती है। अब सब ट्रेडर्स इतने स्टेबल हो चुके हैं कमा के कि उनको अब वो शौक के लिए भी नहीं कमाते, वो मतलब पैसिव इनकम के सोर्सेस हैं, ठीक है। कभी मन कर गया तो थोड़ा बहुत ट्रेड कर दिया, $10-20 हज़ार डाले, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार कमा के बैठ गए, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात अब पैसे की नहीं रही, हो गया कमान तक कमा दिया। अब आप देखोगे तो हर कोई बेसिक बेसिक ट्रेड्स वगैरह ख़त्म कर रहा है, ठीक है, ये सब है। पर पुरानी वीडियोज़ आप जाके देखोगे, बैक एंड पे देखोगे, पहले क्या होता था, $100 से 2000 बनते थे, 2000 के 10 हज़ार, 20 हज़ार बनते थे एक ही दिन में, फुल अमाउंट की ट्रेड ली जाती थी। क्यों ली जाती थी, क्यों? ताकि मैट्रिक्स को एस्केप किया जाए और ये घर चलाने से उठकर इस तरफ आया जाए, जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू द टॉप, टॉप में आप पहुँच पाएँ। जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी पुरानी वीडियोस देखना, हर किसी ने अंधा रिस्क लिया है। एक एग्जांपल देता हूँ, राकेश झुंझुनवाला जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनकी कहानी बताता हूँ। पूरा पैसा डालते थे ये लोग, वो भी लेवरेज लेके, बजट से पहले, किसी इवेंट से पहले। खुद एक इंटरव्यू उन्होंने बताया कि तीन करोड़ रुपये नेटवर्थ थी, बजट के बाद 30 करोड़ हो गई, मतलब 10 गुना हो गई। पूरा पैसा डालने का गोदा था इनमें। अब क्योंकि इनके पास पूरा पैसा डालने का गोदा था, इसलिए इनके पास पैसा आया भी। और जो लोग उस समय जिनके पास उस समय 3 करोड़ उस समय रहे भी होंगे, 3 करोड़, उन्होंने क्या किया, 10% 30 लाख रुपए निकाले और उसको भी डिवाइड कर करके हिस्सों में डाला। आज उनके पास उन्होंने बजट के बाद भी 10-20 लाख से ऊपर नहीं बनाए होंगे। तो जो कंजर्वेटिव चलता है उसकी ज़िंदगी भी कंजर्वेटिव रहती है, जो खुल के चलता है उसकी ज़िंदगी खुल के चलती है। अगर आपने 2-4-5-6 महीने करके जमा करके 4-5 लाख कमाया, अगर आप तैयार हो झटके में, आप पिछले 5 महीने की मेहनत झटके में बहाने के लिए तैयार हो ना, हो सकता है एक बार बहा दो, हो सकता है दो बार बहा दो, जब तीसरी बार कमाओगे तो अगले 2 साल का कमा दोगे, क्योंकि आप तैयार हो अपना 5 साल की मेहनत बहाने के लिए। बूम, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। लोग सोचते कि हम अब मैं $10,000, अब मेरे $10,000 लॉस हो गए, ठीक है, 20,000 लॉस हो गए, मैं फुल अमाउंट ले रहा हूँ, तो लोग कहते हैं गैम्बलिंग हो गई, रिस्क मैनेजमेंट करो। भाई मुझे सिर्फ घर नहीं चलाना, मुझे घर चलाने के साथ साथ मुझे अपनी ज़िंदगी भी चलानी अच्छी, उसके लिए तब भले मेरे को अपने पिछले 2 महीने का, 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल का कैपिटल रिस्क पर डालना पड़े। जिस दिन कमाऊंगा झटके में, झटके में कमा दूंगा। तो मैं क्या लग रहा है, लोग मर्सिडीज़ खरीद रहे हैं, मर्सिडीज, पोर्श, ये सब खरीद रहे हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट से खरीद रहे हैं? क्या उनके पास 100 करोड़ है क्या, कि 100 करोड़ पे वो 1% कमा रहे हैं, 100 करोड़ पे 1 करोड़ कमा के दो दिन कमा के तब कार्ड ले रहे हैं? सबके पास 10-20 लाख से ऊपर कोई नहीं रखता कैपिटल अपने अकाउंट में, 10 लाख 20 लाख उससे बना रहे। तुम्हें क्या लग रहा है रिस्क मैनेजमेंट चल रहा है? ये रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है ताकि तुम लोग मार्केट में टिके रहो, ताकि तुम्हें लगा हाँ कुछ तो है बाजार में। अगर तुम्हें बता देंगे भाई ऐसे ट्रेड होता तो तुम छोड़ के चले जाओगे, मार्केट में वॉल्यूम कहाँ से आएगा? काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को अंधेरे रहने के लिए कही जाती है कि अंधेरे में रहे। अब तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, पता नहीं क्या क्या ड्रामे,
ये इंडिकेटर क्यों बनाए गए, ताकि तुम टिके रहो, ताकि जिसको जिसको ट्रेडिंग समझ नहीं आती, कोई कम पढ़ा लिखा है इंडिकेटर से कर ले, उसे ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं आता, पर एट दिन हारना है, ताकि वॉल्यूम बना रहे, पार्टिसिपेशन मार्केट में लोगों का रहे, वरना लोग छोड़ के चले आएंगे। जब ये ऐड वगैरह चलते हैं तुम्हारे स्टॉक मार्केट के या बाइनरी के, तो कैसा आता है, इतना परसेंट कमा लो, इतना परसेंट, ये लोग अपने ऐड में बस ये बताते हैं कि अप या डाउन, ये लोग अपने ऐड में दिखाते हैं अप या डाउन प्रिडिक्शन करो कमाओ, ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस सीखो, यू नो पैसा मैनेज करना, नहीं, क्योंकि अगर ये बता देंगे भाई, ये बता देंगे कि अगर पैसा कमाने के लिए तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये सब करने के बाद भी तुम्हें शायद साल 2 साल लग जाएंगे, तो कौन ज्वाइन करेगा प्लेटफॉर्म, कोई भी नहीं करेगा, लोग बोलेंगे सच हम नौकरी कर ले, वो ईजी है पैसा कमाना, तो इसलिए तुम्हें गुमराह करके बोलते हैं अप डाउन करो कमाओ, ताकि तुम्हें ईजी लगे, रियलिटी पता चलेगी तो क्यों आओगे, ये है बात, ठीक है। इसलिए तुम्हें अंधेरे में रखा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट, ताकि 2 4 दिन थोड़ा बहुत कमा के खुश रहो, फिर उसके बाद टिके रहो बाजार में। अब इतनी सच्चाई बताने के बाद भी अगर मुझे इतना बैकलैश मिलेगा ट्रेडिंग कम्युनिटी से, तो तुम अंधेरे में ही रहोगे जिंदगी भर, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें, ठीक है। मैंने जो करना है मैंने कर लिया है, मैं कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा, ठीक है। नॉर्मली अपनी जिंदगी चंदरी कट रही है, आप लोग ऐसे ही रहने वाले हो, क्योंकि आप लोग समझने वाले हो नहीं, आप लोगों को बस जो चीज़ थोड़ी सी, कोई आपको थोड़ी सी जो चीज़ आपके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एड्रेनलिन रश पैदा कर दे, किसी ने कुछ अलग ही दुर्लभ बात बोल दी हो, यू नो साइंटिफिकली प्रूवन है ये रिसर्च हुई है, तो उसको तुम भगवान मान लो, जो तुम्हें सच बताया है तुम उसको समझो ये गैम्बलर है, व्हाटएवर, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सच्चाई तो यही है जो मैंने आपको बताई। मैंने अब देखो मैंने देखो मैंने अपनी लाइफ लाइफ चेंज करी, ठीक है। अपना अपना लोन भरा, घर बनाया, गाड़ी वगैरह ली, ऐसे ही ली, इसी तरीके से ली, तो मेरा तरीका सही है ना। अगर तुम्हारा तरीका सही है ये रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो तुम यहाँ क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी जगह क्यों नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ होते मैं वहाँ जहाँ तुम हो, ऐसा क्यों नहीं है, तो गलती तुम में है ना, हमारे तरीकों में है ना, ये क्यों नहीं समझ में आता, 2 3 3 4 साल से एक ही तरीके से ट्रेड कर रहा, नहीं हो पा रहा, तो गलती किस में है, हमने 6 7 7 8 महीने में कर दिया और हम सही हो गए, गलती किस में है, तुम में, हम में है, समझ क्यों नहीं आता, ये है सिस्टम यार। तुम लोग चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हो, बस उसके बाद तुम्हें लगता है कि यू नो काम 25 करने के बाद कि वो बंदा उस समय सही कह रहा था, पर तब तक समय इतना निकल जाता है कि आपके पास टाइम टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं बचा होता, तब उसके बाद कैसे सीखे आदमी। इसलिए मैं चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें फालतू चीज़ों में, और यू नो आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है। यही बताता था आज की वीडियो में, बाकी नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे फ्री ग्रुप में मेरे फ्री सिग्नल चाहिए, हर दिन प्रॉफिट होता है मंडे टू फ्राइडे, और 2 3 दिन हफ्ते में कैपिटल डबल कर देते हैं 2 3 दिन, तो फ्री ग्रुप में आने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करना ऐड कर देंगे, पेड में आने के लिए पर्सनली मैसेज करना ऐड कर देंगे, और सिग्नल भी देते हैं सिखाते भी हैं, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप समझो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।